बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमस्कारम, मेरा नाम शेख इमरान है और मैं फसलांसर का रहने वाला हूँ। आप माधवी लता जी से वाकिफ होंगे, कोमपेल्ला माधवी लता, जो कि बीजेपी की एमपी कैंडिडेट हैं। जब से बीजेपी ने इनको एमपी कैंडिडेट अनाउंस किया है, ये मुसलमानों के खिलाफ बेबख बातें कर रही हैं और उकसाने की कोशिश कर रही हैं। अब हाल ही में जब रामनवमी की शोभा यात्रा 17 को निकाली गई थी, ये माधवी लता जी को सबने देखा कि वो एक जहनी तीर अपने पीछे से निकाल कर, पीठ के पीछे से निकाल कर वो मस्जिद की तरफ पॉइंट करके चलाई हैं। ये हरकत से अगर खुदा ना खास्ता कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन स्टार्ट हो जाता और कुछ जाहिल लोग अगर इनकी हरकत को इशारा समझकर अगर हमला करना चालू कर देते तो आज सिटी के हालात बिगड़ जाते। आप सब लोग वाकिफ हैं कि हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये जो हरकत माधवी लता जी ने की है, इस हरकत से काफ़ी लोग जहनी तौर पर इसका शिकार हुए हैं और काफ़ी लोगों के दिलों को ठेस पहुंची है। उस ठेस को मद्देनजर रखते हुए और हमने इसको अपनी कम्युनिटी की जिम्मेदारी समझकर हमने SHO जो जो भी लगते हैं वहाँ, उन सबको पहुँच कर उनसे बात की। बात कर उनको हमने ये बताया कि ये ऐसा हादसा, ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसके ऊपर आपको एक्शन लेना चाहिए। हमको तकरीबन 2 दिन लग गए सिर्फ सही पुलिस स्टेशन आइडेंटिफाई करने, कंप्लेंट फाइल करने से पहले। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से कल बेगम बाजार SHO ने इस केस को अपने अंडर लिया और इसकी तहकीक करने का वादा किया। हमारे एप्लीकेशन को उन्होंने जल्द अपना कर उसको स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को दिया और उस पर FIR दर्ज किया। सेक्शन 295A के तहत कम्युनल हारमोनी को डिस्टर्ब करने की जो कोशिश इन्होंने की है, इसके ऊपर उन्होंने केस बनाया और FIR भेजा। आज मुझको FIR दाखिल होने की डिजिटल कॉपी भी आई है। ये अगर आप देख सकते हैं तो ये FIR उनके नाम पर डिजिटली रजिस्टर हो गया है और इसकी कंप्लेंट कॉपी, एक्नॉलेजमेंट ये है और इस पे बना हुआ FIR। ये FIR कॉपी है, जैसे आप देख सकते हैं। इसको SHO बेगम बाजार ने बड़ी फुर्ती से इस पर एक्शन लेते हुए इन्होंने FIR जारी किया। ये FIR हम दर्ज करने से पहले हमने हमारी कंप्लेंट CEO चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास दर्ज किए कराई थी एक दिन पहले, जिसकी इत्तला इत्तेफाकन अल्हम्दुलिल्लाह SHO बेगम बाजार को जब मिली, जब मैं उनके सामने बैठकर ये मामला बता रहा था। आप तमाम हैदराबाद के बाशिंदों से, भाई बहन मुसलमान और हिंदू से ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये माधवी लता जी जैसे काफ़ी लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन हमारा भाईचारा बरकरार रहना चाहिए और ऐसे लोगों की बातों में, हरकतों में ना आए। आप उनको ही वोट दें जो जिससे आपको अब तक फ़ायदा होता आ रहा है और ये अमन और चैन जो 20-25 साल से ओल्ड सिटी में कायम है, ये इसी तरह बरकरार रहे। कहा है कि ECI को आपने कंप्लेंट किया है, तो ECI की जानिब से कुछ आपको एश्योरेंस मिला है और ECI के कहने पर क्या ये केस रजिस्टर हुआ है? चालू है तो ECI CEO चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जिसको हमने ये केस, जिसके पास पहले कंप्लेंट फाइल की थी, उन्होंने इसको आगे बढ़ाने का वादा किया, लेकिन थोड़े कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हम उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके हम उसको आगे रख नहीं पाए। इंशाल्लाह एक हफ्ते में उस पर भी एक्शन होगा। हम इसको फॉलोअप कर रहे हैं और इस FIR को भी हम फॉलोअप करेंगे ताकि इनको सख्त से सख्त सख्त इसकी सज़ा मिले और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश यही रहेगी कि इनका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाए। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि बीजेपी का कैंडिडेट कौन है, कांग्रेस का कैंडिडेट कौन है और AIIM का कैंडिडेट कौन है। हमें बस हमारे सिटी के अमन और चैन से मतलब है, जो कि हम किसी का खिलौना नहीं है।
हमारी मुसलमान हम मुसलमान की खामोशी किसी के लिए एक टूल नहीं बनना चाहिए जिसको वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सके। इसीलिए हमने सोचा कि इस चीज़ को हम आगे लाएं और आपके सामने रखें कि जब भी ऐसे झूठ बोलने वाले और नफरत फैलाने वाले लोग आपके पास वोट मांगने आते हैं, आप नज़रअंदाज कर दीजिए उनको, आप नज़रें फेर लीजिए, आप उनसे बात मत करिए, आप उनको ये एहसास दिलाइए कि उन्होंने जो कहा है वो चीज़ हमारे मज़हब के और हमारे मानने के खिलाफ है और जिसकी वजह से हम उनसे बात भी करना गवारा नहीं रखते, वोट देना तो बहुत दूर की बात है। मेरी और वीडियो इन्होंने ये भी बताया था कि जो वीडियो है उसको किसी और एंगल से बताया गया लेकिन वो एरो किसी और तरफ शूट कर रहे थे। जी, उन्होंने ये जो बात कही है ये बात सूटेबल जब रहती जब उन्होंने एक एरो चलाया होता। उन्होंने तीन एरो चलाए, एक इस तरफ चलाया, एक इस तरफ चलाया और शायद एक इस तरफ चलाया, और जब जो उन्होंने जो दूसरे डायरेक्शन में चलाए उसका मकसद ही नहीं है क्योंकि वहाँ कुछ कमर्शियल स्ट्रक्चर से तो फर्क नहीं पड़ता। जब आप राइट साइड देखेंगे जो भी एंगल से उन्होंने चलाया है वो सिद्दीकबर बाजार का जो सर्कल है वहाँ सिर्फ और सिर्फ मसाजिद है और कुछ नहीं है वहाँ, जिसकी वजह से हमने इसकी तहकीक कर कर इस पर काफ़ी जांच पड़ताल कर कर इस पर केस करने का फैसला किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्रगुजार हैं तेलंगाना की पुलिस के ये सिटीजन्स के लिए ही है जिन्होंने सब इन्वेस्टिगेशन और सब वीडियोस को एविडेंस को देख के और इन्होंने ये केस फाइल किया और हमें ये एतबार दिलाया कि ये इस पर एक्शन लेंगे। और इंशाल्लाह ताला बस FIR फाइल करना हमारा मकसद नहीं था, हम इंशाल्लाह हमारी पूरी ताकत और हमारी पूरी कोशिश करेंगे अल्लाह के फजलो करम से कि इनको कोई ना कोई इसके सिलसिले में सज़ा हो। सज़ा से मेरा मतलब जेल नहीं है, सज़ा से मेरा मतलब ये डिसक्वालीफाई हो जाए ताकि ये मैसेज क्लियरली पहुँच जाए वो सारे लोगों को जो नफरत पहुंचाते हैं कि हैदराबाद और तेलंगाना में ये सब नहीं चलने वाला, और चाहे वो कुछ भी कर लें हमारा भाईचारा ख़त्म होने वाला नहीं है। हिंदू हमारे बड़े भाई हैं, क्रिश्चियन हमारे छोटे भाई हैं, सिख हमारे छोटे भाई हैं, जैसे घर में सब बड़े छोटे भाई रहते हैं उसी तरह तेलंगाना में हमारा भी एक ओहदा है, हमारी भी एक जगह है, और हम किसी भी माधवी लता को या किसी को भी ये मौका नहीं देंगे कि वो हमारी खामोशी को, हमारे अदब और अखलाक को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम।